हेलो दोस्तों, मैं हूं आर के रंजन और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेट इंग्लिश अड्डा में आपका स्वागत है। ओके, सो गाइस, आज हम लेकर के आए हैं ऑन द बोर्ड समरी ऑफ चैप्टर 8। ओके यानी गाइस, बिहार बोर्ड क्लास 12th के जो बुक है रेनबो का, उसका चैप्टर 8 का समरी है। ओके, तो चलिए बिना देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नो बकवास, ओनली क्लास। तो देखिए, पहला मैं आपको क्या हेडिंग कर देता हूं गाइस, क्या कि हाउ फ्री इज द प्रेस। क्या है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका मतलब क्या होता है? तो हाउ फ्री इज द प्रेस का मतलब होता है कि प्रेस यानी पत्रकारिता कितना स्वतंत्र है, कितना आजाद है। क्लियर हो गया? प्रेस का मतलब होता है गाइस कि जितने भी पेपर वाले होते हैं या फिर टीवी चैनल्स वाले जो हमें अखबार, मतलब जो हमें न्यूज़ देते हैं, समाचार सुनाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रेस। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और देखिए, आपको समरी लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब इसको मैं आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेनेशन करके बताऊँगा। क्लियर है? तो देखिए गाइस, ये हाउ फ्री इज द प्रेस जो है, ये क्या, ये ड्रोथी एल्सेयर्स के द्वारा लिखा गया एक प्रोज है। क्लियर है? तो ड्रोथी एल्सेयर्स गाइस, ये नाम से क्लियर पता नहीं चलता। देखिए ड्रोथी एल्सेयर्स, ये क्या, ये एक अंग्रेज पोएट है, इंग्लिश का पोएट है, ये इंग्लैंड की थी। ओके, तो गाइस नाम से पता नहीं चल पाता है कि ये मेल राइटर है या फिर फीमेल राइटर है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि ये जो ड्रोथी एल्सेयर्स हैं, ये एक फीमेल राइटर हैं, ऑथरेस हैं, कवित्री हैं। क्लियर हो गया? तो देखिए गाइस, क्या कहता है उसके बारे में देखते हैं। तो क्या है कि हाउ फ्री इज द प्रेस हैज बीन रिटन बाय ड्रोथी एल्सेयर्स। सी वाज बोर्न इन 1893 इन इंग्लैंड एंड डाइड इन 1957। क्लियर है? कह रहा है कि हाउ फ्री इज द प्रेस जो है, ये किसके द्वारा, ये ड्रोथी एल्सेयर्स के द्वारा लिखा गया है और इनका जन्म 1893 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी कब, 1957 को। ये डेट इसलिए मैं आपको मेंशन कर दिया कि गाइस आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उसमें पोएट के जो डेथ होते हैं और पोएट के जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं ये पूछ दिया जाता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दिया, आप यहाँ से अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, फिर देखिए आगे क्या कहती हैं कि सी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वुमन टू ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब देखिए गाइज, उस समय की ये, वह एक, मतलब क्या, ड्रोथी एल्सेयर्स जो थी वो एक पहली महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की थी, ग्रेजुएशन यानी स्नातक पास की हुई थी। यानी उस समय की ये पहली महिला थी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक पास की हुई थी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया? अब देखिए गाइज, ये जो ड्रोथी एल्सेयर्स हैं, ये अपनी जो अनुभव हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं पत्रकारिता के प्रति, उसको यहाँ पे बयां की है। ओके, इनके साथ कुछ घटनाएं घटी प्रेस वालों को लेकर के, इसलिए ये कहती हैं कि प्रेस जो है कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना झूठ दिखाता है, क्या सच, मतलब सच्चाई कुछ और रहता है, उसको तोड़ मरोड़ करके रिप्रेजेंट किसी और तरह से किया जाता है। ओके, तो इसमें आगे मैं आपको इसके बारे में स्टोरी भी बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वो क्या क्या कहती हैं वो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा। ओके, फिलहाल लाइन बाय लाइन पहले एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। ओके गाइस, तो देखिए क्या कहती हैं, इन दिस एसे सी राइट्स विथ क्लैरिटी ऑफ थॉट टू मेक अ स्ट्रॉन्ग केस अगेंस्ट मिस रिपोर्टिंग बाय द प्रेस। अब देखिए वो क्या करती हैं, ये जो चैप्टर है हाउ फ्री इज द प्रेस, इसमें वो एक अपना मजबूत पक्ष को स्पष्ट ऑफ, मतलब क्या, क्लैरिटी ऑफ थॉट, मैंने क्या, स्पष्टता के साथ, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ वो अपना एक मजबूत पक्ष, एक अपना मामला पेश करती है मिस रिपोर्टिंग के अगेंस्ट, जो कि प्रेस के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो गलत रिपोर्टिंग दिखाया जाता है, गलत रिपोर्टिंग किया जाता है, उनके खिलाफ एक ये स्ट्रॉन्ग मामला को, केस को रख रही है। यानी वो अपनी फीलिंग्स को एक मजबूत पक्ष के तौर पे वहाँ पे एक हाफ रिज द प्रेस के तौर पे लिखी है। ओके, चलिए आगे फिर क्या कहती हैं कि और अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी क्या, मिस रिपोर्टिंग और प्रेस की जो आज़ादी है उसका किस तरह से मिसयूज किया जाता है, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके खिलाफ ये अपना एक मजबूत पक्ष रख रही है। यानी उनके खिलाफ एक, ये क्या, एक चैप्टर लिखी है प्रो सेक्शन का, जिसका नाम क्या रखे हैं, हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है। ओके, फिर आगे देखिए वो क्या लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू शेयर्स, यानी क्या ड्रोथी एल शेयर्स के द्वारा, यानी उनके अनुसार क्या है, विदाउट अ फ्री प्रेस वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ फ्री पीपल। अब देखिए वो ड्रोथी एल शेयर्स कहते हैं कि बिना प्रेस की स्वतंत्रता, यानी क्या बिना प्रेस की जो आज़ादी है उसके बिना हम लोग अपनी जो आज़ादी है इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लोगों की आज़ादी की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी वो मोटा मोटी तौर पे ये कह रही है कि प्रेस की जो आज़ादी है उसके बिना कोई लोग की जो आज़ादी है वो संभव नहीं है, इसको हम लोग इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। ऐसा वो क्यों कहती हैं, तो वैसा ये इसलिए कहती है क्योंकि जो लोग हैं उनकी क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सरकार के द्वारा उनको टॉर्चर किया जाता है या क्या क्या सुविधा नहीं दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सरकार की जो नाकामी है, सरकार की जो मतलब गलत व्यवहार है जनता के प्रति, उसको दिखाना सच्चाई के तौर पर वो किसका काम है, तो रिपोर्टर का काम है, ओके, मीडिया वाले का काम है, प्रेस वाले का काम है। अगर प्रेस वाले ही स्वतंत्र नहीं हो, अगर प्रेस वाले ही बिक जाए तो क्या होगा, आम लोग की जो समस्या है उसको वो क्या सरकार के सामने नहीं रख सकता है, सरकार के अगेंस्ट वो नहीं बोल सकता है। ऐसा वो इसलिए कहती हैं क्योंकि वो कहती हैं कि अगर प्रेस ही स्वतंत्र नहीं है, प्रेस ही अगर सरकार के गुलाम हो जाए तो वो लोगों के सरकार की जो खमियाँ हैं, सरकार की जो कमियाँ हैं उसको वो दिखाएगा नहीं जनता के सामने, तो वो सरकार जनता के लिए कुछ नहीं करेगी और जनता क्या ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेगी, तो जनता भी क्या लोग जो हैं वो क्या एक आज़ाद होने का जो अनुभव होगा वो भी खो देगा, उनके पास आज़ादी नहीं रहेगी जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं रहेगा, ओके। इसलिए क्या संविधान में लिखा गया क्या प्रेस की स्वतंत्रता, मैंने क्या जो मीडिया वाले होते हैं इसको गाइस कहा जाता है कि फोर्थ पिलर, ओके, यानी हमारी जो संविधान है या हमारे जो देश है उसका गाइस क्या इसको चौथा स्तंभ माना गया मीडिया को, यानी मीडिया भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाती है। अगर मीडिया सही से काम करे तो दुनिया में या फिर अपने देश के अंदर कोई जो देश की समस्या है वो नहीं रह सकते, अगर वो क्या सच्चाई के तौर पर अगर वो दिखाए रिपोर्टिंग करे तब, ओके। लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे मीडिया होते हैं उनके पास कुछ मजबूरियां होती हैं, वो क्या है आगे मैं आपको बताता हूँ, ओके। फिर देखिए वो क्या आगे लिखती हैं, वो कहती हैं क्या कि सी पॉइंटेड आउट दैट फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्पोर्टेंट फेलियर ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड द प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर, ओके। अब देखिए वो पॉइंट आउट करती है, मैंने क्या वो बताई है, मैंने क्या ड्रोथी एल शेयर्स ने यहाँ पे बताई है, वो क्या बताई है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इम्पोर्टेंट फेल्यूअर, यानी कहती है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो क्या एक महत्वपूर्ण विफलता ऑफ ए डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक का एक महत्वपूर्ण क्या विफलता है, यानी कहने का मतलब क्या है, एंड सोसाइटी ऑफ द प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड इन टाइम ऑफ वॉर। अब देखिए वो कहती है कि जब वार के टाइम, यानी जंग के समय जब युद्ध होता है हमारे देश के अंदर या किसी भी देश के अंदर, तो उस समय क्या होता है मीडिया वाले को बैन कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनको क्या प्रतिबंध लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। तो वो कहती है कि अगर उस समय अगर प्रेस को बैन नहीं किया जाए तो जो प्रेस वाले होंगे, मीडिया वाले होंगे, वो सरकार की जो विफलता है, उनका जो फेलियर है, उसको वो जनता के सामने ला सकते हैं और सरकार की जो नाकामी है, विफलता है, उसको दिखा सकते हैं, आखिर लड़ाई क्यों हुआ, युद्ध क्यों हुआ। लेकिन युद्ध के टाइम क्या होता है कि मीडिया वाले, प्रेस वाले को वहाँ पर बैन कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उसको रोक दिया जाता है। ये इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उसमें ये ताकि लोगों को ये नहीं पता चले कि हमारे सैनिक कितने डेथ कर गए, कितने शहीद हो गए हैं और किन वजह से ये लड़ाई हुआ और हमारे सैनिक जो मारे गए तो किस वजह से मारे गए, इस तरह के बातों से क्या होता है कि उसको दूर रखा जाता है मीडिया वाले के, ताकि क्या जो सच्चाई है लड़ाई की, जो वजह क्या है, मेन रीजन क्या है, वो जनता के सामने ना आ जाए। इसलिए सरकार क्या करती है कि युद्ध के टाइम, लड़ाई के समय, जंग के समय मीडिया वाले को बैन कर देते हैं। तो वो कहती हैं कि बैन इसलिए किया जाता है ताकि सरकार की विफलता को जनता के सामने ना लाया जा सके। वो कहती है कि सरकार की विफलता को छुपाने के लिए प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसको क्या बदनाम किया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है, उनकी हक को मारा जा रहा है। वो कहती है कि वार के टाइम भी मीडिया वाले को स्वतंत्रता, यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार उनको मिलना चाहिए, उन्हें उस समय भी रिपोर्टिंग करने देना, मैंने देने के लिए मतलब कहना चाहिए, ओके, ऐसा वो कह रही हैं।
फिर देखो देखिए गाइज वो आगे क्या कहती हैं, वो कहती हैं कि अ फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड कैन एक्सपोज करप्शन बट प्रेस इज मिसयूज। अब देखिए यहाँ पे वो बहुत ही मार्केबल बात बोल रही है, वो कह रही है क्या कि फ्री प्रेस कैन अटैक गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी एक स्वतंत्र जो प्रेस है, स्वतंत्र पत्रकारिता है, वो क्या गवर्नमेंट की जो गलत नीतियां हैं उन पे वो अटैक कर सकती है, आक्रमण कर सकती है, एंड एक्सपोज करप्शंस ओके, और वो क्या करते करप्शंस बट प्रेस इज मिसयूज, और वो जो सरकार के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है हमारे देश के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनके अंदर जो भी करप्शंस होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, उसको प्रेस क्या करता है उजागर कर सकता है, लेकिन आजकल की जो मीडिया है वो क्या करता है इसका मिसयूज करता है, इसका दुर्व्यवहार करता है, गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, जो हमारे देश के अंदर करप्शन है उसको वो नहीं दिखाता बल्कि उसको तोड़ मरोड़ करके पेश कर देता है जनता के सामने, ओके ऐसा वो कह रही हैं। क्लियर है, आगे देखिए क्या कहती हैं, सी सेज दैट प्रेस इज नॉट एज फ्री एज इट शुड बी एक्चुअली। अब देखिए ड्रोथी एल्सियर्स कहती हैं कि प्रेस उतना स्वतंत्र नहीं है जितना कि उनको वास्तव में एक्चुअल में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, क्यों नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है कि आगे देखिए मैं आपको बताता हूँ वो क्यों नहीं उतना स्वतंत्र है जितना उनको होना चाहिए। वो फिर देखिए क्या कहती हैं कि द प्रेस इज चीफली कंट्रोल्ड बाय द टू फैक्टर्स द एडवर्टाइजर्स एंड द ऑनर्स ऑफ द प्रेस। अब देखिए वो कहते हैं कि प्रेस को उतना स्वतंत्र होना चाहिए जितना मतलब उतना प्रेस का स्वतंत्रता मिलना चाहिए जितना उसे होना चाहिए, लेकिन वो क्या उतना नहीं है, ओके क्यों नहीं है, तो वो बताते हैं कि इसके दो फैक्टर हैं, इसके कितने दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है एडवर्टाइजमेंट और दूसरा फैक्टर है क्या प्रेस के जो गाइस क्या होता है कोई भी प्रेस वाले होते हैं चाहे टीवी चैनल्स वाले होते हैं या कोई भी पेपर्स वाले होते हैं उनका कोई ना कोई मालिक होता है, ओके तो कहते हैं कि दो फैक्टर हैं जो कि इस मतलब क्या जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसको क्या करता है उसको कह सकते हैं गाइस क्या मतलब प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है, वो क्या है एक तो एडवर्टाइजमेंट हो गया और दूसरा उस चैनल के मालिक हो गया। दो वो क्या करता है कि जो मीडिया वाले होते हैं जो ईमानदार पत्रकार होते हैं वो भी ना चाहते हुए मतलब वो चाहते हैं कि हम अच्छे से रिपोर्टिंग करें, सच्चाई दिखाएं, सरकार की जो गलत नीतियां उसको दिखाएं, लेकिन वो बेचारे क्या करते हैं दो फैक्टर से बंधे रहते हैं, एक तो एडवर्टाइजमेंट और दूसरा क्या होते हैं मालिक, ओके एडवर्ट कैसे होता है आप देखिए उसको मैं आपको बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है कि जो पेपर होते हैं न्यूज़पेपर होते हैं उसमें क्या होता है कि एडवर्टाइज दिया जाता है, प्रचार किया जाता है, जैसे कि मान लेते हैं चाय पत्ती का हो गया या फिर टायर का प्रचार हो गया, ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं या फिर बाइक्स के प्रचार हो गए या डिफरेंट चीज़ के जैसा कि आपको पता होगा कि प्रचार में दिखता होगा, ओके तो वो क्या करते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले जो कंपनियां होते हैं उनके जो ब्रांड होते हैं वो क्या करते हैं अपना लोगो छपवाते हैं, अपना ब्रांड पेपर पे छपवाते हैं, ओके उसके बाद क्या उसके बारे में पेपर उसमें क्या होता है पेपर में उस जैसे मान लेते हैं सपोज चाय पत्ती की बात करते हैं तो चाय पत्ती का ब्रांड वहाँ पे पिक्चर दे देगा, उसके साथ क्या करे उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख देगा, चाहे वो वास्तव में वो अच्छा है या फिर नहीं है बट उसे क्या पैसा मिला है तो इसलिए क्या करेंगे उसके बारे में अच्छाई बात को लिख देगा, लेकिन वो हकीकत क्या है उसके बारे में किसी को नहीं पता है लेकिन उसके बारे में लिख देगा। अब लोग क्या करेगा एडवर्टाइजमेंट को देख करके उस चीज़ को खरीदेगा तो उस कंपनी को उसका फायदा होता और वो कंपनी क्या करता है पेपर वाले मालिक को क्या करता है एडवर्टाइजमेंट के बदले पैसे देते हैं। तो गाइस जैसे मानते एक पेपर होता है पेपर 4 से 5 रुपया में मिलता है तो उसका प्रिंट करने का खर्च ही आ जाता है 4 से 5 रुपया में, अगर वो दे देता है 4 से 5 रुपया में तो उनको बचेगा क्या, तो फिर उनको कोई प्रॉफिट नहीं होगा तो वो बिजनेस नहीं करेंगे पेपर नहीं बेचेंगे, तो उसके लिए वो क्या करते हैं उनको जो पैसा मिलता है वो कहाँ से एडवर्टाइजमेंट से उनको पैसा आता है वहीं उसी पैसे से उनका बिजनेस चलता है, ओके तो वो क्या करते हैं और एक तो ये हो गया और दूसरा फैक्टर क्या है कि जो जिस ब्रांड का वो प्रचार कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उनके बारे में वो कभी गलत नहीं लिखेंगे, ओके कभी गलत नहीं, जैसे चाय पत्ती की बात करते हैं तो कभी भी चाय पत्ती के बारे में गलत अवधारणा नहीं लाएंगे कभी नहीं लिखेंगे, ओके ये एक फ़ायदा हो गया एडवर्टाइजमेंट वाले कंपनी का, उसके बारे में कभी निगेटिव नहीं आएगा जब भी डालेगा तो पॉजिटिव चीज़ को ही लिखेगा, और दूसरा क्या करेगा जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ होता है वो अगर प्रचार नहीं करती एडवर्टाइजमेंट नहीं देती है तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं उनके बारे में गलत निगेटिविटी डाल यानी उनके बारे में निगेटिव जो मतलब कह सकते हैं न्यूज़ होते हैं वो डालते हैं, ओके दिखाते हैं ताकि उनका सामान नहीं बिके।
क्योंकि उनको क्या, वो तो मतलब एडवर्टाइजमेंट दिए नहीं है, जब एडवर्टाइजमेंट दिए नहीं तो इनको पैसा नहीं आएगा, तो वो क्या करते हैं उस कंपनी के विरुद्ध क्या करते हैं, जो गलत अवधारणाएं लोगों के सामने ला देते हैं, मिस रिपोर्टिंग कर देते हैं, गलत न्यूज़ छाप देते हैं उसके बारे में। तो ये उसका क्या, जो कंपनी वाले तो दूसरे कंपनी वाले जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं करवाया उनको नुकसान हो जाता है, जो एडवर्टाइजमेंट करवाया है उसका क्या फ़ायदा हो जाता है। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट में फ़ायदा होता है कंपनियों को। ओके गाइज, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर क्या, मालिक, ऑनर। तो ऑनर गाइस क्या होते हैं, कोई भी ऑनर होंगे तो उनका क्या बड़े बड़े आदमी से क्या होगा, रिलेशन होगा, संबंध होगा, चाहे वो कोई भी कंपनी का मालिक हो या फिर बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, उनसे उनका संबंध रहेगा। तो वो क्या करेंगे, या फिर उनका मित्र वगैरह होंगे तो वो क्या करेंगे, उनके बड़े बड़े जो दोस्त होंगे, मालिक होंगे, उन कंपनियाँ होंगे, तो उनके खिलाफ वो कभी निगेटिव नहीं डालेगा, उनके खिलाफ कभी वो मिस रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। ओके, और वो जो उनके अंदर जो काम करने वाले जितने भी एंकर्स होते हैं या फिर जो भी जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिपोर्टर होते हैं, उस वो क्या करेंगे, उनके खिलाफ नहीं डालेंगे। अगर वो अगर गलत रिपोर्टिंग करेंगे तो वो मालिक जो होंगे उनको कहेंगे कि तुमको हम काम से निकाल देंगे, चैनल से आउट कर देंगे। ओके, तो वो बेचारा चाहते हुए भी उस चीज़ को गलत, वो उनके जो दोस्त हैं, मालिक हैं, बिजनेसमैन हैं, वो गलत कर रहा है, लेकिन जो उनके अंदर रिपोर्टर हैं वो देख रहे हैं सारा चीज़, बट वो बेचारा क्या कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनका मालिक का हुक्म रहता है। तो मालिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनको बड़े बड़े आदमी से संबंध होता है, इसलिए उनके खिलाफ वो नहीं डालते। अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो उनको क्या रिपोर्टिंग में दिखाएगा ही नहीं, न्यूज़ में डालेगा ही नहीं, ऐसा होता। तो यही दो फैक्टर है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता को क्या करता है, प्रभावित करता है, ऐसा वो ड्रोथी एलसेयर्स कह रही है। क्लियर है, वो इसलिए लिखी है क्योंकि गाइस जो मिस रिपोर्टिंग का जो शिकार होता है विक्टिम, वो ड्रोथी एलसेयर्स भी खुद होती है। वो होता है क्या है कि एक बार उनसे पूछा जाता है कि आप जो है अब आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या एक मतलब पोएट थी, राइटर थी, तो इनसे पूछा गया मीडिया वाले के द्वारा कि अब आप क्या आगे लिखेंगे, तो उन्होंने ये बताया क्या कि आगे हम ड्रामा लिखेंगे, प्लेज लिखेंगे, नाटक लिखेंगे। ओके, लेकिन होता है क्या कि आजकल ड्रामा और प्लेज लिखने में पैसे कम हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ क्या कि आगे अब नोवेल लिखूँगी, नोवेल में क्या पैसा ज़्यादा है, इस तरह से वो बताई। लेकिन मीडिया वाला क्या किया कि मीडिया वाला ने उसको क्या गलत तरीके से पेश करके दिखाया। मीडिया वाला ने अगले दिन पेपर में ये छाप दिया कि ड्रोथी एलसेयर्स जो है वो क्या अब वो ड्रामा और प्लेज नाटक वो नहीं लिखेगी क्योंकि उनको इसमें पैसा नहीं मिलता है, ऐसा दिखा दिया। जब वो अगले दिन पेपर को देखती है तो वो देखी कि अरे मैंने तो ये बात बोला ही नहीं, मैंने तो ये बोला कि इसमें पैसे कम हैं, मैं लिखूंगी लेकिन ज़्यादा नोवेल लिखूंगी, लेकिन उन्होंने तो कुछ अलग ही दिखा दिया। तो इसलिए उन्हें गुस्सा आया, वो बोली कि ये मीडिया वाले जो होते हैं ये क्या अपनी जो पावर होती है, प्रेस की जो स्वतंत्रता है, इसका मिसयूज कर रहे हैं, गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, ये था। और एक दिन की एक और बात क्या हुआ कि मैंने इनके साथ घटना हुआ इसलिए ये प्रेस के ऊपर लिखी है। एक दिन और हुआ क्या, ये कहीं और थी, इनके घर में चोरी हो गया। ओके, तो चोरी हुआ तो चोर को देखा तो चोर को क्या किया, भगा दिया गया। लेकिन चोर को जो देखा गया था वो किसके द्वारा देखा गया था, तो जो पेपर देने वाले आते हैं, न्यूज़पेपर वाले, अखबार वाले, वो देखे थे चोर को चोरी करते हुए, यानी किनके घर में, ड्रोथी एलसेयर्स के घर में। तो वो क्या करते हैं, चोर को भगा देते हैं। लेकिन अगले दिन रिपोर्टिंग जब पेपर में छपता है तो अगले दिन क्या छपता है कि ड्रोथी एलसेयर्स के घर में चोर घुसा और चोर को जैसे ही ड्रोथी एलसेयर्स ने देखा तो उनको भगा दिया। ओके, और ड्रोथी एलसेयर्स उस दिन अपने घर में नहीं थी, वो मतलब अपने घर में थी। ओके, ये दिखाया गया था। लेकिन जब ड्रोथी एलसेयर्स ने ये पढ़ी खबर तो उन्होंने वो देख करके शौक हो गई, कह रही ये तो हम थे ही नहीं, हम उस दिन अपने क्या थे, गार्डन में थे। उस दिन क्या थे, गार्डन में भी नहीं थे, अपने कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे। ओके, लेकिन वो चोर को वो खुद नहीं भगाई थी, बल्कि वो जो अखबार वाले होते हैं वो भगाया था, लेकिन पेपर में कुछ और दिया जाता है। ओके, तो इस तरह से वो बताती है कि पेपर वाले जो होते हैं गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं गाइस, पेपर वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है, तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे थोड़ी मिलता है, उनका पेपर जो होता है ज़्यादा, जिसका पेपर ज़्यादा मिलता है उसको ज़्यादा मतलब क्या, उसको अधिक एडवर्टाइजमेंट आता है। ओके, और गाइस पेपर इतना जल्दी आसानी से बिक जाए ये भी थोड़ी होता है, तो पेपर को बेचने के लिए भी क्या होता है, उसको कैसे बिके इसके लिए कंपनी क्या करते, जो न्यूज़ वाले होते हैं वो दिमाग लगाते हैं, वो क्या करते हैं छोटी छोटी चीज़ को ही क्या करते हैं, वो किसी और का नाम जोड़ करके उसका
जो हेडलाइंस होता है वो बिल्कुल एक मसालेदार बना देता, स्पाइसी मतलब क्या उसका हेडलाइंस बना देता, जिसको देख करके लोग हेडलाइंस पढ़ते हैं। जैसे ही पढ़ते हैं उसमें कुछ ऐसा हेडलाइंस रहता है इंटरेस्टेड कि इंटरेस्टिंग हेडलाइंस रहता है, जिससे कि आदमी क्या उसके आर्टिकल को पढ़ते ही पढ़ने पर मजबूर हो जाते हैं। इस तरह से क्या होते हैं उनका पेपर मार्केट में ज़्यादा चलता है। जैसे गाइज आप मीडिया मतलब आप यूट्यूब ही देखते होंगे तो जो थंबनेल होता है अंदर में कुछ और देखने को मिलेगा, लेकिन थंबनेल में कुछ और बात लिखा रहता है जिससे आप अट्रैक्ट होते हैं, तो आपको क्या आप जो होता है उस चीज़ को देखने के लिए क्या मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट का एक प्रकार है। ओके, इस तरह से होता है। वही सारा चीज़ देख करके डोरोथी एल्सेयर सोचती है कि मीडिया वाला जो होता है बिल्कुल गलत तरीके से इस्तेमाल करता है और गलत तरीके से न्यूज़ को क्या करता है आम जनता के सामने परोसता है, ऐसा वो कह रही हैं। क्लियर हो गया। फिर देखिए आगे वो क्या कहती हैं कि यहाँ तक तो हो गया फैक्टर्स तक। आगे देखिए वो कहती हैं कि नो न्यूज़पेपर्स डेयर्स टू गो अगेंस्ट देम। अब देखिए वो कहती हैं कि कोई भी पेपर वाले के पास इतना कैपेसिटी नहीं होता, इतना हिम्मत नहीं होता है कि वो सरकार के खिलाफ रिपोर्टिंग कर सके। ओके, अभी गाइस क्या हाल ही में आप लोग को भी जानते होंगे कि कोई भी न्यूज़पेपर हैं वो सरकार के खिलाफ जल्दी करके आपको न्यूज़ नहीं दिखाता, कोई भी एंकर्स होते हैं वो सरकार के खिलाफ जल्दी नहीं बोलते हैं क्योंकि उनमें हिम्मत नहीं होती है। लेकिन एक सच्चे पत्रकार का मतलब होता है कि वो किसी से भी सवाल कर सके, क्योंकि उन्हें प्रेस की स्वतंत्रता इस संविधान से मिला है, वो क्या है हमारे देश का चौथा स्तंभ है। ओके, आगे फिर देखिए वो क्या कहती हैं, यहाँ से देखिए गाइस आगे तक तो हो गया है। फिर हाँ वो कहते हैं कि समटाइम्स अ प्रेस डज नॉट एक्सप्रेस द पब्लिक ओपिनियन एंड इट मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट। और कभी कभी ये होता है कि जो रिपोर्टर होते हैं मीडिया वाले होते हैं वो आम जनता आम पब्लिक की जो समस्याएं हैं उसको वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी आम पब्लिक यानी जनता की जो समस्या है उसको सरकार के सामने रिप्रेजेंट नहीं करता है, और वो जो जनता है वो कुछ कहना और चाह रही है, लेकिन रिपोर्टर जो होते हैं मीडिया वाले होते हैं पेपर वाले तो उसको क्या कुछ अलग तरीके से मिसयूज़ करके उसको तोड़ मरोड़ करके न्यूज़ को पेश करते हैं। ओके, ऐसा वो डोरोथी एल्सेयर्स कह रही हैं। फिर आगे वो क्या कहती हैं कि एट लास्ट सी सेज दैट, अंत में वो कहती हैं कि द डेंजर टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस डज नॉट कम फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कम्स फ्रॉम विद इन द प्रेस। अब देखिए लास्ट में वो कहती हैं कि जो प्रेस के ऊपर जो आजकल खतरा आ गया है, गाइज आप लोग भी देखते होंगे बहुत सारे न्यूज़ में क्या न्यूज़ मतलब रिपोर्टर को ही पीटा जाता है कूटा जाता है आम पब्लिक के द्वारा, उनको भगाया जाता है उनको बेइज्जती किया जाता है। ऐसा कह रहे हैं डोरोथी एल्सेयर्स कह रहे हैं कि ऐसा नौबत क्यों आया, ऐसा नौबत बल्कि सरकार के द्वारा नहीं लाया गया रिपोर्टर के ऊपर, बल्कि रिपोर्टर के ऊपर ऐसा जो आक्रमण होता है या फिर इसके जो ऐसी नौबत आ गई है ये मीडिया वाले ने खुद लाया है। अगर ये सरकार के अगेंस्ट अगर ये बोलता, अगर सरकार की जो अच्छाई है तो उनको अच्छाई दिखाना चाहिए, अगर सरकार में अगर कोई कमी है तो उनको कमी को दिखाना चाहिए, इनमें क्या हो उन्हें सच चीज दिखाना सच्चाई दिखाना चाहिए, चाहे जो झूठा को झूठा सच्चा को सच्चा दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसा वो नहीं कहते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट और उनके मालिक के अंदर फंसे हुए हैं, और ये चीज वो खुद यानी अपने ऊपर वो खतरा खुद लाए हैं, ना कि गवर्नमेंट उसके ऊपर खतरा लाया है। क्लियर है, ऐसा वो कह रही हैं। क्लियर हो गया गाइस, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि ये समरी क्या था। क्लियर है, यानी इसमें मोटा मोटी गाइस क्या है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है लिखा गया है। क्लियर है, सो गाइस ऐसे ही अमेजिंग समरी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें जिससे कि कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।